हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और आप सभी को स्वागत है मेरी चैनल यू कैन पे। आज मैं बना रही हूं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से शाही खीर का रेसिपी। खीर बनाने के लिए मैंने यहां पे पिस्ता, किशमिश, काजू लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपना हिसाब से। 6 इलायची, 2 तेज़पत्ता, सेफ्रन को मैंने पहले से दूध में भिगा के रखा है, 100 ग्राम खोआ और 1/2 कप राइस। खीर बनाने के लिए हो सकता है तो आप इस तरीके का टूटा हुआ चावल का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास टूटा हुआ चावल नहीं है तो आप चावल को हल्का सा ग्राइंड भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का चावल यूज़ करने से आपका खीर बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। और 1 कप कंडेंस मिल्क का ले लेंगे। दूध को मैंने पहले से गैस में गर्म होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर जैसा दूध का इस्तेमाल किया है। दूध उबलना शुरू हो गया है, अब हम चावल को डाल देंगे। अच्छे से चावल को हम एक बार चला लेंगे। इस तरीके से साइड में जो भी मलाई लगा हुआ है ना, मलाई को आप धीरे धीरे करके कढ़ाई से हटाते रहिए। मलाई की वजह से भी आपका खीर बहुत ही अच्छा बनेगा। इसी तरीके से चलाते हुए साइड का मलाई निकालते निकालते हम खीर को आधे घंटे तक मीडियम फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे। खीर को आप जितना ही लो फ्लेम पे पकाएंगे आपका खीर भी उतना ही अच्छा और गाढ़ी बनती जाएंगी। तो कोशिश करिए आप खीर को लो फ्लेम पे पकाने के लिए। जितना हो सके आप खीर को इसी तरीके से चलाते हुए पकाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो खीर आपका नीचे से जलने का चांसेस भी बहुत रहता है। दूध का क्वांटिटी भी उबल के कम होना शुरू हो गया है। अब हम एक बार चावल को चेक कर लेंगे। देखिए चावल हमारा ऑलमोस्ट पक ही गया है। अब हम खीर में खोआ ऐड कर देंगे। खोआ को हम इस तरीके से हाथों का मदद से स्मैश करके डालेंगे। अब कंडेंस मिल्क को भी ऐड कर देंगे। अगर आपको खीर ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी को एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इलायची, तेज पत्ता को हम हिस्सों में टुकड़ा करके डाल देंगे और सेफ्रन, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास सेफ्रन अवेलेबल नहीं है तो इसको नहीं डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो अभी के अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे भी ऐसे ही नए नए मज़ेदार वाला रेसिपीज मिलता रहे। और हाँ, मेरी इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें आप। अब इसी तरीके से चलाते हुए हम खीर को 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। आप खीर पकाने के टाइम पे खीर को आप जितना भी टाइम लेंगे उतना ही आपका खीर अच्छा और टेस्टी बन के आएगा। तो कोशिश कीजिए आप खीर धीमी आंच पे ज़्यादा टाइम पकाने के लिए, तब आपका चावल भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल टिप शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप खीर में शुगर का यूज़ करते हैं तो चावल पूरी तरीके से पकने के बाद ही आप शुगर का यूज़ करें। अगर आप चावल पकने से पहले शुगर का यूज़ करते हैं तो आपका चावल पकने में बहुत टाइम लग सकता है। खीर हमारा ऑलमोस्ट पक के रेडी है। अब थोड़ा देर और उबाल लेंगे खीर को ताकि और हमारा खीर गाढ़ी हो जाए।
अब हम खीर में किशमिश को ऐड कर देंगे। किशमिश को सबसे पहले हम ऐड करेंगे क्योंकि किशमिश पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सबको एक बार मिला लेंगे और इसी तरीके से चलाते हुए हम खीर को 5 मिनट पका लेंगे। अब पाँच मिनट हो गया है, अब हम यहाँ पे काजू और पिस्ता को ऐड कर देंगे। काजू और पिस्ता थोड़ा सा आप साइड करके रख लीजिएगा, बाद में खीर को गार्निश करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब हम ड्राई फ्रूट्स को खीर के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से चलाते हुए खीर को और 2 मिनट पका लेंगे। देखिए खीर हमारा कितना अच्छा बना है और बहुत गाढ़ी भी बन गया है। आप इस तरीके से अपना घर में एक बार खीर को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप खुद भी खाइए और अपना मेहमानों को भी खिला के खूब सारा तारीफ पाइए। खीर हमारा पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम गैस का स्टोव को भी बंद कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। खीर हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और अब काजू और पिस्ता ऊपर से देके थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। देखिए खीर हमारा कितना अच्छा बना है।